नमस्कार दोस्तों, जो लोग छत का पर सब्जी उगाना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यह मेरा बीन्स का प्लांट कितना खूबसूरत दिख रहा है और बहुत सारे बीन्स इसमें लगा हुआ है। दोस्तों मेरे पास खेतीबाड़ी करने का ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी सब्जी उगाता हूँ मेरा छत पर छोटे छोटे गमले में, बोरी में, छोटे छोटे टब में सब्जी उगाता हूँ। ये है मेरा टमाटर का प्लांट, यहाँ पे बहुत सारे टमाटर लगा हुआ है। देखिए कितने छोटे छोटे टब में मैंने इसको लगाया हूँ और कितने अच्छे तरीके से इसमें टमाटर लगा हुआ है। इससे पहले 5 से 6 केजी तक टमाटर हार्वेस्ट किया जा चुका है, अभी भी इसमें बहुत सारे टमाटर लगा हुआ है। अभी ये पककर लाल हो गया है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मैं जो भी सब्जी उगाता हूँ मेरा छत पर ही उगाता हूँ, मेरे पास और ज़मीन भी नहीं है खेतीबाड़ी करने का। और एक बात, ये सारे सब्जी पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद से मैं इसको उगाया हूँ। ये वाला बैंगन का प्लांट देखिए, इसमें कितना बढ़िया से इसमें बैंगन लगा हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक बार बड़ा बड़ा बैंगन हार्वेस्ट कर चुका हूँ, अभी भी इसमें बहुत सारे बैंगन लगा हुआ है। जो बैंगन मैंने पहले से हार्वेस्ट किया हूँ वो बहुत बड़ा साइज का था, अभी कुछ मैच्योर हो गया है तोड़ने के लिए, इसको अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो मैच्योर नहीं हुआ है इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैच्योर हो जाए। जब कोई भी पौधा आप लगाते हैं उसका देखभाल करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है उसमें फल आता है, और फल आने के बाद जब हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है तब इतना खुशी होता है कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आज वही खुशी मेरा मन में भी है। जो भी सब्जी मैं उगाता हूँ मेरा छत पर ही उगाता हूँ, मेरे पास और ज़मीन भी नहीं है खेतीबाड़ी करने का। दोस्तों मैं भी चाहता हूँ आप भी मेरे तरह ऐसी सब्जी उगाएं आपका छत का पर। ये जो बैंगन का प्लांट देख रहे हैं ये करीब करीब 2 साल से ज़्यादा पुराना बैंगन का प्लांट है, लेकिन अभी भी इसमें फल खूब बढ़िया से आता है। अभी बहुत सारे बैंगन हार्वेस्ट कर चुके हैं, अभी यहाँ पे इसको रख देते हैं। दोस्तों अभी टमाटर तोड़ने का बारी आ गया है, चलिए कुछ टमाटर भी तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्लांट में कितना टमाटर लगा हुआ है, लेकिन सारे टमाटर अभी तोड़ेंगे नहीं, जो पूरी तरह से पक गया है इसको तोड़ेंगे और जो पूरी तरह से अभी तक पका नहीं है इसको छोड़ देंगे, अभी तोड़ेंगे नहीं, बाद में तोड़ेंगे। दोस्तों टमाटर तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। जो पूरी तरह से लाल हो गया है इसको ही तोड़ते हैं। बहुत लोग ऐसे मन में सोचते हैं कि छत पर सब्जी फूल वगैरह कुछ उगाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहूँगा ये है आपका भ्रम। अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, आप फूल फल सब्जी सब कुछ अपना छत का पर उगा सकते हैं, क्योंकि आजकल खेतीबाड़ी करने का ज़मीन बहुत कम लोगों के पास है, खास करके जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं रहता है, वो लोग छत पर सब्जी उगा सकते हैं, फूल फल का पौधा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कितना छोटा छोटा प्लास्टिक के गमले में मैं टमाटर लगाया हूँ, और इतना सारा टमाटर भी मेरे को मिलता है। इससे पहले भी मैंने 5-6 केजी तक टमाटर हार्वेस्ट कर चुका हूँ। दोस्तों इतना टमाटर अभी तोड़ लिया हूँ, इसको अभी इसमें रख देते हैं।
अभी चलिए कुछ बीन्स भी मेरे छत पर है उसको भी अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बीन्स लगा हुआ है। ये सारे बीन्स का प्लांट मैं आटा का पैकेट में लगाया हूँ। जो आटा हम घर में खरीद को लेके आते हैं उसी आटा का पैकेट में मैं इसको लगाया हूँ। और बहुत सारे बीन्स इसमें लगा हुआ है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी बीन्स इसमें से हार्वेस्ट कर लिया हूँ। बहुत सारे बीन्स इसमें लगा हुआ है आप देख सकते हैं। शायद कुछ लोगों का मन में ये सोच आ रहा होगा कि सचमुच क्या इतना सारा सब्जी छत पर हो सकता है। जी हाँ, इतना सारा सब्जी छत पर ही मैं उगाया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भी निसंकोच से आपका छत पर ऐसे सब्जी उगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं जो वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ, मेरा वीडियो देखने के बाद शायद कुछ लोगों का मन में भी ये ख्याल आए कि मेरा जो खाली पड़े हुए छत पर मैं भी कुछ सब्जी उगा सकता हूँ। ऐसे ही सोच हर किसी का मन में आना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे तरह इसे छत पर या बेलकनी पर आप भी सब्जी उगाएं, फूल फल सब कुछ उगाएं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।